ड्राइंग काफी सिंपल है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे पहले मैं प्लान करूंगा कि मेरा ये पेपर है और पेपर के अंदर कितना एरिया में तकरीबन वो घर है। तो देखा जाए अगर ये कंपोजिशन अगर एज रेफरेंस के अंदर से हम देखेंगे तो तकरीबन इतना सा एरिया जो है, तकरीबन इतना सा एरिया जो है घर कवर करके रखा है। क्योंकि जो भी बैकग्राउंड को लेकर के और मेरा सब्जेक्ट को लेकर के, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेरा घर है, ठीक है, और एक डॉट डॉट का आप आवाज आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। चलिए, तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा घर है, तो सब्जेक्ट का साइज बहुत वो करता है कि कितना बड़ा रखेंगे। तो मुझे मिल रहा है कि रेफरेंस में कैसा रखना है, और मैंने रेफरेंस के हिसाब से ही पेपर को इस तरह से लैंडस्केप में इसी तरह से काटा है, बट ऊपर की तरफ हाइट कम है, जैसे है उसी हिसाब से अंदाजा लगा कि थोड़ा मैं पेपर को क्रॉप किया है। तो फिर अभी मैंने देखा है कि ये कितना सा एरिया में है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा एकदम नाप तोल के चलने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हमने देखा है कि हाँ यहाँ इतना में हम करेंगे। तो शुरू में जब फर्स्ट टाइम आप ड्रॉ करते हैं तो लाइन को काफी हल्का रखने की कोशिश करें कि बाई चांस हमें अगर इसे निकालना होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हल्का सा प्लानिंग पहले कर रहा हूँ, ये किस हिसाब से है। और लाइन जो है सब इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ, और आप देख सकते हैं कि ये सामने जो आपके पोर्शन है हाइट है, और जो दूर जा रहा है थोड़ा सा डाउन है। और ये जो लास्ट लाइन है दीवार दीवार वाला है, ऊपर से नीचे तक एकदम एक ही लाइन नीचे आना चाहिए, तभी वो थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगेगा। इसके बाद यहाँ पे हम सामने वाला इसका जो डिजाइन है उसे हम लेते हैं। इस पेंटिंग के अंदर आप अच्छी तरह देखेंगे तो जो सामने जो पिलर सा है और उसका जो कलर है काफी लाइट कलर है, और वो काफी पेंटिंग को थोड़ा इफेक्ट अच्छा देगा उसे हम अगर ठीक ठाक मेंटेन किया तो। तो मैं भी चाहूंगा उसका जो पिलर वगैरह जो है उसे हम ठीक से मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहला यह है कि हमें ड्रॉ को अच्छी तरह करना होगा। उसके बाद खिड़की विड़की थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन का
ओके, ये जो साइड वाला काफी पतला है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा लाइट कुछ इस तरफ से है। बाकी जो पेड़ पौधा है उसका कोई मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हम कर सकते हैं। सभी को ये ठीक से दिख रहा है? यस सर। ओके, तो मैंने बताया था कि इसका जो कलर है काफी, घर का जो कलर है काफी सॉफ्ट है, और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ क्या कलर है, देखता हूँ। येलो कर, ये येलो ऑरेंज है, थोड़ा सा ऑरेंज। ये जो कलर है काफी पतला पतला ले रहा हूँ, आपको पतला नहीं दिख रहा है, काफी कम ले रहा हूँ, क्योंकि व्हाइट ही है तकरीबन एकदम। सूखने के बाद कलर आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा लैम नेपल्स येलो है, थोड़ा सा फैंस ग्रे, और नेपल्स योलो के साथ मैं बस रेफरेंस के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जब आप कलर यूज करते हैं, आपको उस समय मालूम होना चाहिए कि सूखने के बाद आपका कलर कितना रहेगा। ये अभी मैंने इसलिए यूज कर रहा हूं ये कलर हल्के हल्के से, ये वाला पार्ट में जो मैंने हाईलाइट है, वो जो पिलर है उसे मैं मेंटेन करूंगा।
ये ग्रीन गोल्ड था, ये जो है ऑलिव ग्रीन। बंसिया ना, होता क्या है, सब्जेक्ट अगर लाइट है तो उसके चारों तरफ आप एक कलर का, डार्क कलर का सिलसिला देखते हैं। डार्क मीन्स ब्लैक की ओर नहीं है, डार्क मीन्स कलर स्केल जो है, जैसे ये घास है, येलो, बंसियाना, ये सब जो कलर का जो क्वांटिटी है काफी ज्यादा दिखता है हमें। और ये ज्यादा दिख रहा है तभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो लाइट में है। ठीक है रूपा मैम, आप अच्छा काम किया। नेपल्स उसके छत में थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट रह गया, तो मैं थोड़ा डाउन कर रहा हूँ। आसमान में कुछ खास मुझे कलर नहीं दिख रहा है। पेंस ग्रे, ऑरेंज, म्यूट कीजिए। कोबाल्ट ब्लू, तो आसमान में थोड़ा सा यूं कलर थोड़ा सा जो मुझे दिख रहा है बादल बादल सा है, तो जिसके कारण यहाँ पे जो कलर है मुझे दिख रहा है थोड़ा बंसियाना है, रॉ अम्बर है, शेपिया है, रॉ अम्बर ज्यादा ले लेते हैं। फ्रेंच अल्टामरीन, थोड़ा सा रेड ब्राउन,
ओके, ये काफी ऊपर से मैंने यूज कर लिया, एक्चुअली थोड़ा डाउन में था। और आप देखिए यहाँ पे ये जो छत के ऊपर जो लाइट है उसके बैकग्राउंड में कुछ डार्क कलर है, तो ये सारी चीज कुदरत में है कि अगर हमें लाइट दिख रहा है तो उसके बैकग्राउंड में कलर है। ये भी बैकग्राउंड में देखिए डार्क है, तो यहाँ पे फेंच अल्टामरीन ऐड कर रहा हूँ उसके साथ। फ्रेंच अल्टामरीन रॉ अंबर, ये दूर का सीन है तो वेट इन वेट भी रखना होगा हमें। यहाँ पे अगर हम मास्किंग पेपर यूज करते हैं तो ये जो हमने लाइट कलर रखा है और उसके जो पोल वगैरह जो सामने का वो काफी खूबसूरत सा निकल के आएगा। जितना भी काम है ये जो पार्ट है और इससे इसका जो खूबसूरत जो एरिया है वो यही है कि इसका जो डिजाइन बना हुआ गेट में वही है। तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा डिजाइन को मैं इस मास्किंग फ्लूड के जरिए अगर मैं सेव कर पाऊँ।
और इसके ऊपर से जब मैं छाया बना के निकल जाऊंगा तो ये मेरा मास्किंग फ्लूट क्या होगा, उस ये बचा रहेगा ऊपर ही ऊपर। तो ये मैंने पहले इसलिए कलर को कर लिया था कि मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे मास्किंग फ्लूड यूज करना था। जहां भी दिख रहा है कि अंदर बहुत बारीकी से आपको ये फूल वगैरह दिखाना है, तो वो आप इस तरह से टेक्निक का यूज कर सकते हैं। और ब्रश को धोना नहीं है, अब जो लोग मास्किंग फ्लूड है यूज करते हैं इसे बस रख लेना है। काफी मोटा हो जाता है तब आप इसे थोड़ा सा हाथों से सूखने के बाद रिमूव कर दीजिए, उसके रबर बन जाता है, इसको धोने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी बना रहा हूं आपको एंड में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा उतना। सर व्हाट कलर यू आर यूजिंग राइट नाउ? या जी कृष्णा जी, दिस ना या इज मास्किंग फ्लोट। ओके 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 हाँ, ये हम लगा के रखने से क्या होगा, ये रबड़ जैसा इंसोल हो जाता है और इसके ऊपर कलर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो ये जो छोटे छोटे बारीकी है, आप मैं बेफिक्र होके इसके ऊपर कलर जब अप्लाई करूंगा तब भी ये मेरा अच्छी तरह बचा रहेगा। ओके बहुत आसान हो जाता है और अच्छा होता है काम। क्योंकि ये जो घर के अंदर ज्यादा सुंदर कुछ चीज मुझे लगा, तो ये जो पोल है, पोल के ऊपर जो लाइट है, तो इसीलिए मेरा टारगेट ये बन गया कि इन्हें मैं अच्छी तरह सेव करूं। जैसे ही मैं कलर एक बार यूज करूंगा तो आपको फिर ये दिख जाएगा। अभी शायद आपको नहीं दिख रहा है। और इसे मतलब बारीकी लाइन बनाना भी काफी मुश्किल होता है, तो इसे भी आप करते करते ही आएगा, इसे आप एक यूं ही नहीं कर सकते। मतलब बारीकी लाइन बनाना भी काफी मुश्किल है इसका। ओके तो मैं थोड़ा बहुत जो यूज कर लिया,
यहाँ पे भी कुछ मैं अगर स्टार्टिंग में यूज करता तो शायद अच्छा था। चलिए वो व्हाइट कलर ऐड करके हो जाएगा। इसमें छत में क्या कलर है हमें देखना है ना, कि बहुत ज्यादा रेड कलर नहीं है, तो वो कलर में बनाने की कोशिश करूंगा। स्कारलेट, ऑरेंज, एक कलर है वैनडाइक ब्राउन, उसे भी थोड़ा यूज किया तो मेरा एक मतलब अच्छा, उतना चमक वाला कलर नहीं, काफी डल वाला कलर है, ओल्ड घर है ना, तो वो सब इफेक्ट देने के लिए जैसे मैं थोड़ा सा लेवेंडर ऐड कर रहा हूं। पहले इस तरह से मतलब रियलिस्टिक को जान मतलब सीखना होगा, जानना होगा कि क्या क्या कलर, और हमें रेफरेंस एकदम उसे स्टडी करना ही है। देखिए कलर थोड़ा मैच कर रहा है ना, तो इस तरह से आप जितना मैच कराएंगे उतना ही अच्छा है। ओके okay, ये वाला पार्ट तो डार्क होना ही था, उसके बाद थोड़ा सा हम राइट वाला हिस्से में, ऑलराइट राइट वाला हिस्से में थोड़ा सा लाइट कलर यूज कर लेते हैं। आपको भी दिख रहा है ये लाइट कलर, लाइट कलर कैसे किया, थोड़ा पानी को ले लिया ज्यादा, तो जहाँ जल्दीबाजी जल्दबाजी से काम नहीं होगा वहाँ हम जल्दीबाजी नहीं कर सकेंगे, थोड़ा सा तसल्ली से ही काम करेंगे। और ये मास्किंग फ्लूइड लगाने के बाद थोड़ा अच्छी तरह को सुखाना जरूरी है। और ये जो डार्क यूज कर रहा हूं इसका स्केल क्या है, कितना डार्क है, ये जरूरी है मतलब समझना। क्योंकि जो कुदरत है, रेफरेंस है, एक कलर व्हील के अंदर है। काफी बारीकी पेपर भी छोटा है और बारीकी काम है, तो कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से करना है, कलर को अच्छी तरह समझना है क्या कलर है, फिर यूज करना है। ओके okay. नेथल्स योलो लेवेंडर, थोड़ा सा फ्रेंच अल्टामेन या अल्टामेन डीप यूज कर सकते हैं, ऑरेंज, लेवेंडर,
नेफल सियोलो, ऑरेंज, हाँ इतना छोटा सा एरिया में भी कितना सारे काम हो सकता है आप देखिए जरा। अभी अंदर ही पार्ट में थोड़ा सा इस तरह से डार्कनेस है। वो जो क्या अंधेरे के अंदर अंधेरा वो चीज हो रहा है। मैं एक ही कोशिश कर रहा हूं कि रेफरेंस के साथ मेरा कलर मिल जाए। ओके और आप देख पा रहे कि इस साइड में काफी स्केल डाउन है। तो मैं यहाँ पे जो फ्रेंच अल्टरनेट के साथ जो कलर था उसे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, एरिया को ब्लॉक कर रहा हूँ, या एरिया के जो व्हाइटनेस को मैं खत्म कर रहा हूँ। तो भागना नहीं है यहाँ से इस बार, इस समय यहाँ पे बहुत काम है। जैसे ये रेड ब्राउन लिया, थोड़ा फ्रेंच अल्टरमेन लिया, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग, हाय उमा मैम कैसे हो? हेलो, हेलो जी बोलिए, कोई सवाल है हेलो, क्या? हेलो, हाँ मेरा मेरा आवाज नहीं आ रहा आपको? आपका आवाज आ रहा है? बाकी बाकी दिखाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है बाकी को? सर। ओके ओके हाँ हेलो सर, उमा मैम, हेलो। हेलो। शायद आप मेरा आवाज नहीं सुन पा रहे हो। आपका आवाज मुझे सुनाई दे रहा है? बढ़िया सुनाई दे रहा है।
हेलो सर. हेलो हेलो उमा मैम. हेलो हेलो. आपका आवाज आ रहा है? या नाउ कमिंग. ओके सर. ओके सर, नाउ यू आर शिफ्टेड इन द फेसबुक टू जूम ना? यस. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. टुडे ओनली आई सॉ द व्हाट्सएप नो, सो दैट्स व्हाई नाउ आई जॉइन. ओके गुड. Okay, sir. Thank you very much, sir. Yeah, achha hai na? Yeah, this is very nice, sir. Okay. Sir, lekin baad mein dekhna hai, to kaise dekhenge? Dekh lijiye, main kab mana kar raha hu. Zoom pe to baad mein nahi dekh sakte, ek ghante baad. Main bhejunga na. Ek ghanta baad nahi milega aapko, but baad mein milega. Okay. सेम फेसबुक में मिलेगा ना? फेसबुक में लिंक मिलेगा. ये अपलोड में इसका जो वीडियो अपलोड करूंगा मैं अपने प्राइवेट यूट्यूब के अंदर मैं करके रखूंगा इसे, और इसका जो लिंक है आपको फेसबुक पे ही जाके मिलेगा. आपको वैसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं दे दूंगा. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. जी ऑल क्लास यू आर शिफ्टेड इन द जूम ना? यस. मंडे क्लास, वेडनेसडे क्लास एंड संडे क्लास ना? जूम में कर दिया. या ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर. जूम में करने से ये जो आप बात कर पा रहे हो, मुझे थोड़ा सा वो आता है क्योंकि बहुत सारे बात होता है, बट मैं ठीक लगता है मुझे कि अच्छा है. आपको जो भी सवाल है उसी टाइम आप बात कर सकते, और इसमें क्लियरिटी ज्यादा है जूम के अंदर. फेसबुक के अंदर उसका रेजुलेशन कम हो जाता है. सर, ये पेपर साइज A3 में आपने छोटा किया है क्या? ये 10x14 inch था, उसको भी मैंने क्रॉप किया. ओके. ये लाना का पेपर है, साइज है 10x14. उसमें भी थोड़ा सा ऊपर से मैंने क्रॉप कर लिया. सर, वीडियो इज नॉट कमिंग. वीडियो नहीं दिख रहा है? या नाउ कमिंग. या इट्स नेटवर्क कमिंग एंड गोइंग. सो ओके, आप पिन कर लीजिए वहां पे जाके. या ओके सर, मेरे वीडियो के ऊपर एक पिन कीजिए, उन पे ऐड पिन कर लीजिए. ओके सर. मैं काफी बारीकी काम कर रहा हूँ यहाँ पे. जितना मैं इस तरह से बारीकी छोटी छोटी चीजें करूंगा, मेरा पेंटिंग उतना और निखरते जाएगा. समय लगेगा तो आप ये समझ लीजिए कि अच्छा हो रहा है. तो ये छत के ऊपर जो कलर है वो मैं मेंटेन करने की कोशिश किया है, और जहां जहां थोड़ा थोड़ा सा डार्क है उसे देने से
थोड़ा सा पेंटिंग में निखर आएगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डार्क दिख रहा है। ये फिंगर से मैं क्या उसका आउटलाइन को मर्ज कर दिया, क्योंकि अंधेरे के अंदर किसी चीज का आउटलाइन नहीं रहेगा। अच्छा, आपको कोई सवाल हो तो जरूर करना है, बात कर सकते हैं मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सर वो चिमनी का शैडो नहीं था रेफरेंस में। चिमनी का शैडो रेफरेंस में नहीं था, वो पीछे था एक्चुअली चिमनी। नहीं, इसके हिसाब से जो है कुछ छाया बन रहा है, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली चिमनी क्या है, जो कंपोजिशन के अंदर टॉप में है, इसलिए छाया इधर नहीं दिख रहा है, तो मैंने उसे नीचे लेके आया चिमनी को, इस एरिया में लेके आया। चिमनी है कहाँ पे, यहाँ पे है टॉप में, तो जिसके कारण छाया इस तरफ नहीं आ रहा है, उस तरफ जा रहा है, और मैंने थोड़ा सा उसे डाउन किया तो मुझे लगा कुछ इस तरह से है। सोचा मैं भूल गया वो करने के लिए, फिर मैं पास में जाके रेफरेंस देखा अभी। नहीं, रेफरेंस में क्या है, वो ऊपर है और मैंने उसे थोड़ा डाउन में लेके आया। ओह शिट, ओके। ये आपको दिख रहा है, मैं जो दिख रहा है ये स्क्रीन शेयर किया। ओके, तो अभी लाइट चला गया, जब तक लाइट गया मैं थोड़ा सा ये कंपोजिशन के ऊपर देख लेता हूँ जो आप लोगों ने काम किया। ओके, देखिए यहाँ पे अनुभा मैम काफी अच्छा काम किया है, और यहाँ पे एक काम हो सकता था कि जैसे ये कंपोजिशन का क्या, ये लाइन अगर ये क्रॉप यहाँ से होता तो ये जो मदद घर का जो वो वैल्यू है ना, सब्जेक्ट का जो वैल्यू थोड़ा और बढ़ जाता, क्योंकि ये जो स्पेस है काफी ज्यादा हो गया। नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अनुभव मैम का पेंटिंग है, काफी अच्छा उन्होंने बनाया। देखिए आप सारे बहुत सुंदर ये मेंटेन किया इन्होंने, ये जो स्केल कलर बहुत सारे कलर इसके अंदर ऐड किया, आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे कलर इसमें ऐड किया, बहुत अच्छा है। और ये जो पोल है, हर एक पोल को उन्होंने ये जो लाइट मेंटेन किया, ये जरूरी है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये जो पेड़ में काफी थोड़ा कांटा कांटा सा महसूस हो रहा है, तो उसके जो लचक होता है वो थोड़ा सा आप मतलब डालने से तो शायद और बेहतर होता। तो मैं रिव्यू कर लेता हूँ अभी, क्योंकि लाइट आया है, बट रिव्यू वाला पार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये अनुभव मैम का काफी अच्छा है, और यहाँ पे किरण, किरण हो क्या? सर गुड, काफी अच्छा है, अच्छा आपने किया है। जो ये जो लाइन है डाउन चला गया, ये लाइन बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए।
तो ये जो जैसे ये ढालान है, ये ढालान इस पे भी थोड़ा सा है ये वाला सेकंड में, ठीक है। और बाकी सब ड्राइंग ठीक है। और जैसे ये सेंटर में नहीं होना है, कभी भी कंपोजिशन सेंटर में इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ये कलर है काफी और थोड़ा ज्यादा आएगा, एक स्केल ज्यादा आएगा, ये छाया वाला इलाका में, ये लाइट एरिया में। ओके, बाकी ठीक हो रहा है। ये जो नीचे का किस तरह से ग्रास एरिया किस तरह से करना है वो आप अभी देख पाएंगे, ठीक है। चलो गुड। यहाँ पे विद्या मैम, विद्या मैम काफी अच्छा है, काफी अच्छा आपने सॉफ्ट, एक इसके अंदर एक सॉफ्टनेस मुझे दिख रहा है कि काफी अच्छा सॉफ्ट रखा कलर को, और बहुत अच्छा है ड्राइंग भी, प्रॉब्लम नहीं। ये लाइन डाउन नहीं जाएगा, ये जो कोना है आपके सामने है, ये अगर ये आपके छत ये हाइट जा रहा है तो ये भी थोड़ा सा हाइट से ये डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। आप रेफरेंस को अच्छी तरह फॉलो कीजिए, उसको भी स्केल रख के देखिए, तो ये डाउन में जाएगा। तो ये गलती क्यों हो रहा है, मतलब ये डाउन क्यों जा रहा है, आप किधर है आपके सामने वाला हिस्सा, ये आपके सामने वाला ये जो कॉर्नर है घर का, और उसके दोनों तरफ जो भी लाइन जाएगा वो डाउन की तरफ जाएगा, थोड़ा हल्का जाएगा बट जाएगा। ठीक है विद्या मैम, यस मोहन, यस सर, ओके, समझ में आया ना, ज्यादा हाँ प्रॉब्लम हाँ नहीं है। समझे सर, और इस कंपोजिशन से हमें क्या सीखना है, थोड़ा कलर भी सीखना है, क्योंकि इस कंपोजिशन में काफी सुंदर जो कलर है, मैं कोशिश कर रहा हूं उस कलर को लाने में, आपको भी करना है, ठीक है। और कोई हाँ सर, ओके अच्छा, यहाँ पे मोहन जी, मोहन जी यहाँ पे जो कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे चीजें, है ना, ये बरामदा का लाइन कहाँ से, ये लाइन कहाँ से, ये अगर रेफरेंस को हम देखे, एक स्ट्रेट लाइन दिखता है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मोहन जी है क्या, यस सर, और समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। या ओके, बाकी आपके जो ये डेप्थ वाला एरिया, आपको डेप्थ वाला एरिया काफी अच्छा है, और ये वाला जो स्केल आपने यूज किया काफी अच्छा है, यहाँ पे भी वही है चीज यूज किया, काफी अच्छा रहा। और यहाँ पे जैसे अनुभव मैम ने काफी अच्छा कलर वेरिएशन डाला था, बहुत सारे ऑरेंज, येलो ऑकर, मैं भी वही कर रहा था, है ना, आपने देखा है येलो ऑकर, ऑरेंज, येलो ऑरेंज, ये बहुत ज्यादा नहीं, मतलब वो मिक्स करते करते, तो उस चीज को ध्यान रखना है। ओके okay. और थोड़ा सा घास में थोड़ा सा हार्ड हो गया। ओके, यहाँ पे माया मैम हो हाँ सर, मैम, ये जो लाइन है एक ही लाइन है, हाँ ये सर, जो हाँ, छत का लाइन है एक ही लाइन है, ओके ओके ओके, तो ये जो है गलत गया, हाँ, पहला पॉइंट है। दूसरा, ये भी लाइन आप, इसलिए मैंने क्या किया था मालूम, शुरू में ये दोनों लाइन मैंने कर लिया था, हाँ उसके हाँ बाद हाँ ये बनाया हाँ हाँ ताकि हाँ वो लाइन में कोई दिक्कत ना आए मेरा, वो लाइन एकदम बराबर रहे। तो वो हमें देखना है कि क्या है कंपोजिशन कैसे है, यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है आपका, ये वाला पार्ट में कुछ कुछ और तरीके से है। और ये वाला स्केल काफी अच्छा है, ये जो लाइट एंड शेडो बहुत जबरदस्त अच्छा हुआ, ये वाला पार्ट खास करके, ये वाला मतलब आपकी अच्छाई को मैं बता रहा हूँ नोट कीजिए, और हाँ सर, आपकी जो गलती वो भी नोट करना है। तो यस यस वो बाकी ये ठीक है, ये जो टेनी वेनी का जो स्टाइल है काफी अच्छा है, और यहाँ पे जाके ये वाला पार्ट भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ये अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। ओके ओके तो ये वाला अगर हम अभी, मतलब अभी इस वक्त काम करने का नहीं ही है ये, ओके, हाँ समझ पा रहे हो मैम, क्योंकि मेरा नजर हाँ यहाँ पे लेके जाना है, तो उसके हाँ बाद डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, उस चीज को हाँ होना हाँ चाहिए बैलेंस में, जैसे इतना सा ठीक है, ओके ओके, हाँ कुछ हाँ किया कुछ कुछ देखे तो ऐसा लगे कुछ है, बाकी ठीक है। कुछ कुछ एरिया कंफ्यूजन है हाँ वो थोड़ा थोड़ा, कहाँ हाँ, हाँ सर, थोड़ा ड्राइंग में भी थोड़ा वो सा थोड़ा, मैं ओके, कितना तसल्ली से क्यों कर रहा हूँ, इसका ड्राइंग बहुत इतना इजी नहीं था ये ड्राइंग, है ना, हाँ क्योंकि इसके हाँ अंदर बहुत कुछ है। ओके रूपा मैम, थोड़ा सा ड्राइंग में ये वाला जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर चला गया ये लाइन, इस तरह से ड्राइंग में अगर ये स्ट्रेट लाइन आपके सामने है, ये लाइन बाहर की तरफ जा सकता है थोड़ा, क्योंकि बिल्डिंग हाइट है, और ये अंदर की तरफ गया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है, बाकी थोड़ा सा ठीक हो रहा है। ये जो पीछे जब करते हैं इसमें पानी से मर्ज कर दीजिए, स्काईलाइन के साथ मतलब आसमान के साथ जो वो है थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा।
और ठीक है, तकरीबन अच्छा है। और शेडो का जो कलर है वो किस तरह से करना है वो भी आप देख सकते हैं, उससे पहले जो घर में क्या कलर आप यूज कर सकते हैं वो भी आप देख पाए हैं, और अभी भी बाकी है करते हैं हम। ओके निर्मल सर, ये जो ओल्ड ओल्ड घर है उसका जो छत है उसका कलर हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, है ना। तो हम अगर रेफरेंस को कुछ देख रहे हैं और रेफरेंस से कुछ लेना चाह रहे हैं तो उसका मीठास वही है कि वो उसका कलर है और उसका बनावटी है, उसका छाया है। तो खैर आपने अच्छा किया है, थोड़ा सा ये थोड़ा कम हो गया इस तरफ से, थोड़ा और लंबा है घर में, तो बहुत जरूरी है ना हमारा ड्राइंग भी ठीक करना। और जब इसके ये जो नीचे वाला पार्ट में जो खिड़की के चारों तरफ यहाँ पे जो ज्यादा लाइट है, यहाँ पे टोटली एक आप छाया डाल सकते हैं अभी भी, मतलब ज्यादा ये वाला जो कलर है छाया का ये ठीक है। ओके तो मतलब आपने क्या कलर किया उसके ऊपर आपके छाया डिपेंड करेगा थोड़ा सा क्या, मतलब स्केल को। अगर आपने बिल्कुल व्हाइट रखा है फिर एक हल्का कलर से चल सकता है, अगर थोड़ा सा कलर अप्लाई कर लिया तो छाया फिर उसी हिसाब से थोड़ा डार्क कर सकते हैं। और कुछ फ्लैश पॉइंट है निर्मल सर कि ये वाला अच्छा हुआ, ये वाला जो ड्रॉ काफी अच्छा हुआ, यहाँ पे कलर भी आपने अच्छा इसके लिए यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ज्यादा स्पेस थोड़ा सा ज्यादा रह गया, यहाँ तक क्रॉप होना चाहिए और ये एक लाइन में जाएगा, ये उधर, ये जो चिमनी डिस्टर्ब कर रहा है, चिमनी को आप घर की छत की हाइट मान रहे हो। शौनक, शौनक जी ये जो लाइन है इस तरफ से नहीं होगा, मतलब इस तरह से टेढ़ा नहीं हो जाएगा, ये बाहर आएगा, ठीक है, ये बाहर की ओर आएगा। और ठीक है, और यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रीन मत यूज करो, और दूर जो है क्या कलर है रेफरेंस में यहाँ पे वो कलर यूज करना है, और इसके बीच में ये व्हाइट लाइन नहीं रहेगा, इस तरफ से टोटली एक शेडो पार्ट में है ये, तो इसके अंदर ये व्हाइट लाइन नहीं रहेगा। और जब फर्स्ट वाश हम यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कलर यूज किया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आप देख पा रहे थे, तो उस तरह से। ओके लक्ष्मी मैम, यहाँ पे आपका जो शेडो वाला पार्ट है काफी अच्छा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, और ये लाइन जो है ऊपर जाएगा ये लाइन नीचे वाला, बट बहुत ज्यादा चला गया, थोड़ा सा यहाँ से आना चाह रहा है ये, ठीक है, यहाँ से आना चाह रहा है, तो बहुत ज्यादा हो गया। और ये हाइट ठीक है, तकरीबन ठीक है, हाइट दो सभी ठीक है, और ये छाया भी ठीक है, लाइट ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने मतलब थोड़ा सा ध्यान से नहीं किया ये वाला, और यहाँ पे जब साइड में खिड़की बनना है साइड वाला खिड़की चौड़ा कैसे हो सकता है, रेफरेंस को स्टडी नहीं करते अच्छी तरह, रेफरेंस को मिलते ही काम शुरू कर देते हैं, ये एक सबसे बड़ी हमारा बीमारी है, हमारा प्रॉब्लम है कि हम रेफरेंस देखा नहीं और काम शुरू कर देते हैं। तो रेफरेंस को देखना है, फिर अच्छी तरह हर एक चीज को नोट करना है, फिर काम करना है। जैसे ये चिमनी के ऊपर जो वो इतना डार्क लाइन आ गया, क्यों, इसमें भी तो लाइट है, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ से एक अलग सा हो रहा है यहाँ पे, वो आउटलाइन यहाँ पे क्यों हो रहा है ये डार्क, यहाँ पे रेफरेंस में तो है नहीं कोई डार्क, आप क्यों अलग करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि मेरा छत यहाँ से शुरू हो रहा है, वो बच्चे करते हैं यहाँ से आउटलाइन बनाना, तो ये आउटलाइन नहीं चाहिए, ठीक है। अर्चना मैम बेहतरीन बनाया आपने ये टोटली, ये जो घर का ये जो टोटली काम आपने अच्छा किया है, ये पेड़ मुझे पसंद नहीं आया, अगर ये घर आपने बनाया और ये पेड़ आपने बनाया तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं रहेगा कि पेड़ ये आपने बनाया है, क्योंकि ये घर इतना सुंदर बनाया, पेड़ क्यों नहीं बना सकते आप उतना सुंदर। तो ये कोना टू कोना पेपर आपका है, आप जैसे आप करना चाहेंगे वही आपको मतलब क्रेडिट मिलेगा, अगर यहाँ पे कुछ खराब करते तो इसका जो अच्छापन भी आपके खत्म हो सकता है, आप भले इसे ना भी करते तो भी ठीक थे। तो पेड़ अपने से भी आप डाल सकते, आप कहीं से भी क्रॉप करके ऐड कर सकते, आप काफी अच्छा बेहतर काम कर रहे हो, और मैं चाहूंगा उसे और थोड़ा सा अच्छा हो। और यहाँ पे ये तो अगर छाया के अंदर है, इसके थोड़ा सा मुझे लगता है डार्क हो सकता है ये वाला खिड़की का कलर या जो भी है, ठीक है, और ये इसके लिए आप कर मतलब डार्क कर सकती है वाला, ठीक है। रघुवंदर जी ये जो सॉफ्ट, हाँ
ये जो टोटल एक सॉफ्टनेस है काफी अच्छा है, और इसके अंदर जैसे छत है ना, छत में वैरायटी मतलब सिंगल कलर नहीं, मतलब एक सिंगल कलर सा वास, ये सिंगल कलर सा वास, हाँ उसमें थोड़ा सा सर आगे मेरे थोड़ा इंप्रूव ड्राइंग काफी अच्छा है, बट वो कलर के अंदर और थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं। कुल मिला किया, के हेलो बोलो। आगे आगे एक थोड़ा इंप्रूव किया, इंप्रूव करने के डाल दिया हमने। ओके, फिर मैं आगे वाला में देखता हूँ। ओके, ओके सर, कृतिका मैम, ये जो इसका हाइट है, थोड़ा हाइट ज्यादा जाएगा। कृतिका मैम है क्या? ओके, यस सर। ये जो है थोड़ा सा ऊपर ये रहेगा, ये थोड़ा सा और डाउन जाएगा, तो उसी तरह से ये भी लाइन जाएगा, ये भी लाइन जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं इस लाइन में स्केल रख दूँ, ये बराबर हो गया, बल्कि ये वाला डाउन चला गया ये कॉर्नर। तो ये पर्सपेक्टिव है कि ये अगर आपके सामने पिलर है, तो मैं ये चीज कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा सॉफ्ट है, और कलर में थोड़ा सा ये जो लाल लाल सा हो गया घर का कलर, में थोड़ा सा येलो ऑकर यूज कर सकते हैं इन वाला एरिया में, ठीक है। येलो ऑकर, ये जो ऑरेंज यूज किया ये अच्छा यूज किया। ओके हाँ राघवेंद्र सर, ठीक है, मतलब ये ब्लैक पन नहीं आना चाहिए, मतलब छाया में अच्छा ये जो कलर ठीक है, ये कलर ठीक है, ये जो काला ज्यादा हो रहा है वो आपके पेंटिंग को थोड़ा सा खा सकता है, ओके डल कर सकता है। तो ठीक है, सबसे अच्छा है कि आपका ड्राइंग काफी अच्छा हुआ, थैंक यू सर। और यहाँ पे स्केल आपने आप कर दिया, ये अच्छा किया, ठीक है, गुड, बढ़िया है। थोड़ा सा नीचे घास बस ठीक हो सकता है। पिंकी जी, पिंकी जी, घर ठीक चल रहा था, ये ऊपर वाला बिल्डिंग ठीक चल रहा था, नीचे वाला का ऐसा हालत है गिर जाएगा कभी भी, तो नीचे वाले को भी ठीक बनाना, नहीं तो घर गिर जाएगा। तो इतना सारे घास बास की जरूरत नहीं, मुझे घर की जरूरत है, घर अच्छा से बनाना है, बाकी छोड़ दो। या भाई स्केल आप होगा, कलर स्केल यहाँ पे आप होगा, तभी इसका जो डायमेंशन थोड़ा सा दिखेगा, घर का 3D लुक दिखेगा, छाया वाया यही तो होता है। और ठीक है, अच्छा हो रहा है। ओके अनुत्तमा मैम, ये काफी खुला हुआ हो गया, बाहर चला गया ये लाइन, जिससे ये सामने है कि ये सामने है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो लाइन है थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, इसका जो ये फैला हुआ जो है लाइन, हाँ सर, सही कह रहे हैं, अभी दिख रहा है ये। हाँ, तो वो क्या होगा, वो उस साइड घूम जाता घर। तो अगर ये हम इसको इसको खोलते हैं ज्यादा, तो घर इस तरह, फ्रंट उस तरफ हो जाता है। हाँ इस तरह से घूम जाएगा वो। और जैसे ये छाया आ रहा है इसका, तो इस वाला पार्ट में भी शायद छाया हो, मैं जाके देखता हूँ रेफरेंस में, ये वाला नहीं यहाँ पे है नहीं, इस वाला में थोड़ा सा डार्कनेस है, ये वाला, ये यहाँ पे थोड़ा डार्क है, और थोड़ा सा स्केल यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, ये वाला पार्ट को डार्क कीजिए ना, यहाँ पे क्या जरूरत है इसे, ये वाला और स्केल आप कीजिए, ये वाला ये और एक डार्क कीजिए, इसमें इतना लाइट नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट एडिट नहीं किया इस बार, मैं बताऊंगा तब जाके करेंगे। तो आप अगर खुद ही अगर एक बार ब्लैक एंड व्हाइट एडिट कर सर लेते हो, डर लगता है, हार्ड हो जाता है ना बहुत। नहीं, पानी के साथ इसके ऊपर लगाना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम बेफिक्र होकर कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पानी का मात्रा ज्यादा रखना जब भी डार्क यूज करना है। और बाकी यहाँ पे जो ये सारे बहुत कुछ अच्छा बनाया ये है, जैसे यहाँ से अगर इतना छाया चल रहा है ना, तो खिड़की का जो ये लाइन चलता है, तो उसके ऊपर भी छाया के ऊपर जो भी स्केल है वो अलग होगा, छोटा सा चीज है, बट उस छोटा सा चीज ने आपको, आप क्लियर नहीं कर रहे हो, आपका क्लियर यही होगा कि अगर ये छोटा सा चीज इतना सा अगर छाया के अंदर है, ये थोड़ा सा कलर को अगर डल कर देते ही है, तो महसूस होने लग जाएगा कि यहाँ पे छाया का लाइन चल रहा है। ठीक है सर। दुखी हो रहे हो? नहीं नहीं सर, फिर कोशिश करेंगे। ठीक है फिर, अच्छा। ओके संजय सर, ड्राइंग कुछ हद तक ठीक है, बट यहाँ पे यहाँ से हाँ ठीक है, ये ठीक है, तकरीबन ठीक है, ठीक है।
ठीक है। आपके एक प्रॉब्लम क्या होता है कि कलर बहुत ज़्यादा लेते हैं और वो कलर अलग से दिखते हैं। कलर को हम लेते हैं, उसे मिक्स करते हैं। आपके कुछ एरिया है ये, यहाँ पे क्या कलर अलग से कोई नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जो रेड दिख रहा है, मतलब रेड अलग से नहीं दिखना चाहिए, रेड का एक फीलिंग आना चाहिए। तो उसके साथ हाँ, रेट ज्यादा हो गया सर। हाँ ज्यादा इसमें क्या, अगर ये जो ब्लू दे रहे हो, ब्लू अलग से दिख रहा है, ब्लू ब्लू कर रहा है वो, मतलब वो कलर बता रहा है देखो मैं ब्लू हूं, मतलब ब्लू नहीं बताएगा, कलर तो मालूम नहीं चलेगा क्या कलर है, ऐसा होना चाहिए। आप समझ रहे हो, कलर को मिक्स करके यूज करना थोड़ा। और ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा लूज टेक्निक से आपका। यहाँ पे ये वाला पार्ट काफी अच्छा है, सॉफ्ट है काफी, और ये अभी भी ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, आसमान का कलर ऐसे नहीं था ताकि इसका रोक ही बदल गया, मतलब कंपोजिशन आसमान थोड़ा सा डार्क हो गया कलर। हाँ, फीलिंग ही बदल जाता है। हाँ। और काफी अच्छा काम किया ये यहाँ पे अभिजीत घोषाल, काफी अच्छा है ये लाइन, थोड़ा सा ये अगर ठीक मिल रहा है तो ठीक है। ये वाला फ्लैट कर दिया ज्यादा, अभिजीत है तो ये ज्यादा फ्लैट हो गया, जिसके वजह से यहाँ पे आपको स्पेस कम मिला, तो ये फ्लैट नहीं होगा क्योंकि घर का कर्नर यहाँ पे है और ये भी उधर घुमा हुआ, ये भी उधर घुमा हुआ, तो ये इतना सा डाउन होगा यहाँ से। और बाकी जो कलर स्केल है, कलर स्कीम आपने बनाया, काफी बेहतर है, काफी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, वेरी नाइस। लक्ष्मी मैम का तो देखा था, कुछ शेडो ऐड किया शायद आपने, तो ठीक है। प्रॉब्लम तो यही है जो आउटलाइन आपने बनाए थे, बाकी यहाँ पे मेन मेन प्रॉब्लम ये है, आउटलाइन नहीं चाहिए और ये जो है लाइन यहाँ से जाएगा। पायल जी कलर ज्यादा ज्यादा ले रहे हो जी सर, इतना इतना येलो नहीं हो वहाँ पे, इतना रेड हाँ, नहीं है ना। ओके, तो कलर स्केल को आप देखिए, क्या कलर स्केल है, क्या कितना कलर है, ठीक है। हाँ, और जैसे यहाँ पे ये अगर छाया के अंदर है, ये जो व्हाइट सा दिख रहा है खिड़की का लाइन, यहाँ हाँ, से छाया चला गया इसके अंदर, ये खिड़की का लाइन व्हाइट इतना नहीं दिखेगा। ठीक है सर, छोटी छोटी चीज मेंटेन करना। ये कहाँ से लाइट आ रहा है इतना यहाँ पे इस दीवार पे? हाँ सर, वो पता नहीं चला, मैंने पहले सोचा कि वो ठीक है, फिर जब ड्राई हो गया ना तब वो लाइट हो गया, पता नहीं चला उसका। हाँ, तो इसीलिए ब्लैक और थोड़ा मार्क, और थोड़ा सर शायद मास्किंग फ्लूइड यूज कर सकती ना, तो थोड़ा और स्मूथ होता, स्मूथ भी नहीं है अभी लग रहा है मुझे देख के। नहीं, इसके साथ मास्किंग फ्लूइड का क्या रोल है? नहीं, उसका नहीं सर, इन जनरल भी अभी दिख रहा है ना, वो शैडो शैडो ऐसे मर्ज नहीं हुए मुझे लग। हाँ, काफी मतलब ये सॉफ्ट चलना चाहिए, एक शैडो को आप मेरे तरफ से लास्ट में यूज करना है, तो उससे क्या होगा, एक सॉफ्ट में चलेगा, है ना। तो ठीक है, मतलब ड्रॉ काफी अच्छा हुआ है। ठीक है सर, ये डार्क लाइन इतना नहीं चाहिए ना, ये ये डार्क लाइन नहीं चाहिए, मतलब इतना कुछ किया ये कैसे भी नहीं करना, ये इतना नहीं, तो इसे भी उतना ही अच्छी तरह करना है। और कुछ कुछ जो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला वो, हाँ 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 राइट राइट, वहाँ बहुत कंफ्यूजन था सर, मुझे पता ही नहीं चल रहा था वो लाइन कैसे करना है, तो थोड़ा सा उसे भी देखना है। ओके गुड, मिलिंद साइकिल बना दिया, अच्छा बनाया, थोड़ा सा ये खत्म हो गया क्या? पायल मैम का लास्ट था ना? हाँ सर। ओके गुड, अच्छा है मिलिंद सर, ये टायर थोड़ा सा गोल गोल होना चाहिए। हाँ, थोड़ा ड्राइंग खराब हो गया। ओके चलिए, फिर थैंक यू, फिर से हम आ जाते टायर गोल पाई जाओ तो मंडी ये रिव्यू अच्छा था ना? हाँ सर, इसमें हम दिखा पा रहे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ओके चलिए, अभी मेरा काम है। यहाँ पे जो
ये लो आपका नेपल्स, ये लो लेवेंडर, ये सब कलर यहाँ पे इसके अंदर है। सर पूछूं क्या क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल पूछूं ना सर। जब भी ऐसा कॉम्पोजिशन होता है ना जहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग होता है, जैसे नीचे बहुत सारे पिलर्स हैं, तो मुझे ना, मैं जब ड्राइंग कर देती हूँ तब तो ठीक लगता है, जब मैं कलर करती हूँ ना तब मुझे ना कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा उसका कोई टेक्निक है क्या सर कुछ, मतलब या पता नहीं, मतलब जब मैं ड्राइंग करती हूँ तो वो ठीक लगता है, फिर जब मैं कलर करने लगती हूँ ना वो शेडोज, जैसे आप एकदम कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, मेरा वो ना मतलब ऐसे जंबल अप सा हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सा कहाँ शेडो, कहाँ ये, कहाँ वो, और वो बाद में तब मुझे पता नहीं चलता, जब आप रिव्यू करते हो और जब मैं एज अ थर्ड पर्सन देखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा हो गया है, तो ऐसे कोई टेक्निक है क्या सर उसका? टेक्निक्स नहीं, मतलब इसी तरह से अगर हम कुछ बता रहे हैं उसे आप अच्छी तरह समझना है और उसे अगली बार ये गलती नहीं होना चाहिए, इसका टेक्निक ये है कि आप उसे और क्या है, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, मतलब जब काम करते हो अगर सॉरी म्यूट कीजिए कोई है म्यूट कर लीजिए, कौन बात कर रहे हो? हाँ मतलब आप जब काम कर रहे हो तो उस समय अगर आपको काफी जल्दी है या मतलब कई बार होते हैं ना आप लोग घर के काम में बिजी हो गए तो वो जल्दी जल्दी में वो खराब ना करे, तो वो उस समय ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको, आप छोड़ दीजिए, तसल्ली रखिए, थोड़ा बाद में कीजिए, बट ठीक है सर। रेफरेंस को जितना हम अच्छी तरह स्टडी करेंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा हमें मतलब सीखने को मिल, मतलब सही करेंगे हम। सर एक क्वेश्चन पूछना है जी। यूजुअली आप जब काम शुरू करते हो तो काम बैठे रहते रहते ही आप खत्म कर देते हो काम का। मैं जब काम करती हूँ व्हाटएवर बी द रीजन सर, ये एक साथ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे 5 मिनट किया फिर उठ गई, फिर 10 मिनट किया, फिर अगला दिन किया थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करके हो पाता है, तो उसके लिए सर काम का जो इफेक्ट आता है पिक्चर में, तो सर बार बार ड्राई हो रहा है, उसको रीवेट कर रहे हैं, फिर इसके फिर कर रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है क्या? हाँ पड़ेगा, अगर मतलब बार बार काम करने से उसका पड़ता है, मतलब एक बार में करने से वो उसका सॉफ्टनेस ठीक था, मतलब पूरा मूड के साथ आप काम को जो कर रहे हो तो उसमें कंप्लीट आता है, अगर हम छोड़ देते हो सकता है आपने फिर एनर्जी वो लेके आया, वो सारी चीज जो शुरू किया था उसी तरह से अगर आपको याद करके शुरू किया तो अच्छी बात है, मतलब आपके मूड चेंज हो गया, आपने एक मूड में शुरू किया था फिर आपका मूड चेंज हो गया, फिर उस सेकंड मूड में आया, उसमें पता नहीं क्या मूड में क्या है क्या नहीं है, है ना? तो मतलब आइडियली एक बार बैठ के खत्म करके ही उठना चाहिए, वैसे ही करने से थोड़ा सा ठीक है मुझे लगता है।
तो यहाँ पे देखिए जो डार्क है ये जरूरी है, थोड़ा ऑरेंज, ये जो डार्कनेस मुझे दिख रहा है ये देना है, फ्रेंच अल्टरमरीन, नेपल, सियोलो, लेवेंडर, ये सब। सर ये पोर्शन ड्राई है पूरा कि गीला है सर थोड़ा? नहीं अभी ड्राई, ये यहाँ पे गीला था, ये जो देखो यहाँ पे गीला था स्प्रेड हो गया, यहाँ पे ड्राई है तो मैं हाँ। अभी ये स्प्रेड करा रहा हूँ। ठीक ओके सर। तो सुख तो जाता ही है काम करते करते, तो हमें हम उसे ब्रश के जरिए उसे कर सकते हैं।
सर शोनो खेर हाँ सर, मैं जब देखता हूँ आपके जो ब्रश स्ट्रोक्स है वो काफी स्मूथ रहते हैं, मतलब पानी के साथ चलता है, लेकिन जब मैं करता हूँ तो वो ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी, तो कोई टेक्निक है या? ये ड्राइविंग है, जैसे जैसे आप ड्राइविंग करते जाएंगे आपको भी ये हासिल होता जाएगा, और कुछ आर्टिस्ट मुझसे भी अच्छा करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, तो वही है मतलब हो जाएगा, मतलब ये है थोड़ा प्रैक्टिस है, जो भी है आप जितना करेंगे उतना आपको इसके बारे में थोड़ा सा वाकिफ होगा। आप जैसे अभी यहाँ पे कर रहे हैं ना सूखा सूखा सा, वैसे होता है मेरे, मेरा पानी के साथ नहीं चलता इतना। जैसे कि मैं बता रहा था कि चारों तरफ एक स्केल है जिसकी वजह से ये घर उभर के आएगा, और इस समय ये सूख गया क्या, यहाँ पे कुछ कलर ऐड करना था, रेड ब्राउन कोबाल्ट ब्लू, आप देख पा रहे हो ये जो है कुछ डार्क इलाका है। अगर सूख रहा है तो ऊपर से आप थोड़ा स्प्रे करके उसे सॉफ्ट कर सकते हैं ना। हाँ लेकिन बहुत जल्दी सूखता है, मतलब एक ब्रश स्ट्रोक में सूख गया पूरा। कुछ कुछ पेपर भी उसके लिए जिम्मेवार है कि ज्यादा देर तक शायद वो ना रहे। अभी देखिए यहाँ पे मैं तब तक कलर यूज कर रहा हूँ जब तक वो स्केल पहुंच नहीं रहा है ना, तो बार बार मैं गीला कर रहा हूँ। वाटर कलर मीडियम में एक बार में कलर नहीं होगा आपको, मतलब लेयर बार बार ही यूज होता है। सर वो शैडो में जो रेड यूज किया वो कौन सा कलर है? ये वाला ये वाला सर। हाँ यहाँ पे मैंने कोबाल्ट ब्लू के साथ रेड ब्राउन को ऐड किया। नहीं वो सेंटर में यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो एक कलर नहीं है, ऑरेंज है, नेपल्स येलो है, उसके साथ थोड़ा सा लेवेंडर है, ऑरेंज भी है, और बस यही है। अगर उसे थोड़ा सा डार्क लेना है तो रेड ब्राउन ले सकते हैं आप, अगर ब्लू की ओर जाना चाहते तो अल्टरनेट ब्लू यूज कर सकते हैं इस तरह। ओके तो बेस रेड वो ऑरेंज वाला आएगा ये? हाँ बेस में हाँ, मुझे वो रेड दिख रहा है, थोड़ा रेडिश दिख रहा है, तो नेपल्स येलो से आ रहा है वो कलर या ऑरेंज लिया ना अभी यहाँ से? ऑरेंज से आ रहा है जो फीलिंग है आपको। जो भी मतलब रोशनी के ऊपर आ रहा है उसे मैं थोड़ा सा कलर को हल्का कर रहा हूँ, वो जो अंधेरे में है उसका डार्कनेस ज्यादा रख रहा हूँ। सर एक चीज बताइए, आप जैसे पेपर यूज करते हैं, कभी सॉन्डर्स करते हैं, कभी लाना करते हैं, कभी चित्रपट करते हैं, कभी आर्टिस्ट करते हैं, तो सर ये जो है ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? कॉम्पोजिशन किस हिसाब से होगा उस हिसाब से? हाँ ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये जरूरी है कौन सा पेपर, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे पेपर यूज किया तब जाके मुझे लगता है कि ये यूज करना है,
है ना। तो आज मैंने लाना लिया इसलिए कि यहाँ पे वो ज्यादा हाई टेक्सचर यूज नहीं होगा। लाना का जो है ये जो टेक्सचर है जो है कि थोड़ा सा फाइन में आता है, मतलब कम रफ ही है बट उसका जो दाना है वो काफी कम है, स्मूथ है। तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं था इसलिए मैंने इस पेपर को लिया। और मैं रफ ही यूज करता हूँ क्योंकि लैंडस्केप टाइप का ये जो भी मुझे रफ ही ज्यादातर पसंद है तो रफ में ही मैं करता हूँ। नहीं जैसे सर हम मैंने चित्रपट यूज किया बट चित्रपट में तो फिर ये मास्किंग ना गड़बड़ कर देता है, वो पेपर पेपर भी उठ जाता है साथ में। हाँ मास्किंग यूज नहीं होगा इस पे, कोई भी हैंडमेड वे मास्किंग यूज नहीं होगा। कोई भी हैंडमेड में ना मास्किंग फ्लू नहीं होगा यूज। सर और एक पेपर है बहुत एक्सपेंसिव शायद नहीं है, उसका नाम है बॉहॉम। सर उसका फीडबैक कैसा है? अच्छा पहले मैं यूज करता था ये, जब से लॉकडाउन पड़ा चाइना से थोड़ा सा सामान कम आने लगा, उसमें क्या हुआ जो भी इंडिया में जितना भी पेपर था वही पेपर, मतलब हर एक पेपर में 100-200 रुपया ज्यादा हो गया। तो तब से मैं उसे बंद कर दिया, पहले मैं वो यूज करता था। काफी अच्छा आउटपुट है उसका। तो सर उसका भी कोई पर्टिकुलर ग्रेन आप यूज करते थे? मैं ज्यादातर राफी करता हूँ उसको, उसका भी राफी यूज करता हूँ, वही 300 GSM वाला। हाँ ये आपको कैमरे में शायद ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, इतना ग्रीन नहीं है। गीला किया इसलिए और थोड़ा ज्यादा ग्रीन दिख रहा है। अभी हम इसे रिमूव करेंगे मास्किंग फ्लूइड को और तब देखेंगे क्या कलर की जरूरत है क्या उस पोल के ऊपर जो पिलर है। वाटर ड्रॉपिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा।
इस समय जो कलर मैंने जो वाटर कलर है उसे अच्छी तरह सुखाना होगा। ये जो मास्किंग फ्लूड है आप जिस तरह से यूज करेंगे उसी तरह से आपका रिजल्ट आएगा। ये वाला छाया जो है थोड़ा स्केल डाउन हुआ, मैं थोड़ा अप करूंगा। तो ये जो 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 ये जो है मतलब हल्का हल्का यूज करना है, एकदम से आप ज्यादा यूज करने से आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका जो स्केल आप करने के लिए, फिर अंदर से एक बार राइट में मैंने एक स्केल आप कर दिया।
ओके अभी जो ये टेनी वेनी है थोड़ा सा प्रेम से बनाना है, खराब नहीं करना है। और कोशिश करना कि रेफरेंस में जो सुंदरता है उसे लाने की। और आप लोगों ने कई सारे जो है काफी मोटा मोटा सा बना रखा ट्रेनिंग, उसे भी आपके पेंटिंग थोड़ा खराब करता है। देखो कुदरत का करिश्मा देखो, जो आसमान के पास जो टेनी है उसमें वो डार्क कलर है और जो यहाँ पे डार्क के ऊपर से चल रहा है उसके वो लाइट है। तो हमें भी तो करना है वही काम। इसे शुरू में अगर हम मास्किंग प्रोड्यूस करते शायद ये अच्छी तरह रहता, और कभी बारीकी यूज करना है पतला करके, नहीं तो फिर गड़बड़ भी होता। देखना ये है क्या हम कितना कर सकते हैं। और पेंटिंग कैसे भी नहीं होगा, कैसे भी कर दिया नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे दिखा पाया कुछ टैनी, इसी तरह इस तरफ अगर करना चाहे तो वही सेम चीज है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मास्किंग यूज करने की कोशिश कर रहा था और ये अगर रिमूव हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक कलर स्केल यहाँ पे भी दिख रहा है जो कि छत को अलग करता है। कुछ इसके ऊपर से टैनी वैनी का छाया भी चल रहा है।
इस सामने वाला पार्ट को मैं अलग करने के लिए पीछे वाले में थोड़ा कलर ऐड कर रहा हूं। छोटे छोटे ये जो इनके जो छाया है, अगर मतलब इस पोस्ट के जो भी साइड में शेडो बन रहा है उसे अगर हम छोटे छोटे देते हैं तब भी ये अच्छा होता है। तभी वो निखर के आएगा ऊपर, हमें करना पड़ेगा तब आएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ बनाने की जरूरत नहीं है, कंपोजिशन में बैलेंस रहे, मतलब मेरे ये सब्जेक्ट खराब ना हो जाए उसे ध्यान रखना होगा। तो उतना ही बनाऊंगा जितना मैं ये अच्छा लगे। और ये वाला पार्ट ढकना भी जरूरी है, कंपोजिशन इसीलिए अच्छा लग रहा है कि ये वाला पार्ट ऑलरेडी ये कवर है। बात एक ही है कि कैसे भी नहीं बनाना है, जो भी बनाना है तहे दिल से बनाना है। कुछ लाइट्स भी हम दिखा पाया, और जरूरत पड़े तो नेपल सियोला के साथ थोड़ा सा व्हाइट लेके दो चार हम इसे दिखा भी सकते हैं। नेपल सियोलो में व्हाइट, नेपल सियोलो नहीं है तो आप योलो आकार में थोड़ा सा इस तरह से आप देख पाएंगे कि वो रेफरेंस में भी है ये चीज, और मैं कोई बाहर से नहीं ला रहा हूँ, वही रेफरेंस ही मैं कर रहा हूँ।
सर ये व्हाइट आप कौन सा यूज कर रहे हैं? कैमल का कहाँ गया? हाँ हाँ ठीक है सर। कौन सा टाइटेनियम है या वो देख रहा था। नहीं मिल रहा है कैमल का। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक, कैमल का ही है व्हाइट। नहीं आपने बोला था ना वो मिशन गोल्ड का व्हाइट अच्छा नहीं है, तो ये बहुत ब्राइट लग रहा है इसलिए मैंने पूछा। हाँ ये कैमल का व्हाइट है। ओके चाइनीज व्हाइट है या कुछ डिफरेंट व्हाइट है? यहाँ तक है चाइनीज, चाइनीज व्हाइट है ये राइट, चाइनीज व्हाइट है। तो अगर कुछ एक आधा ड्रॉप भी हो जाए आप यहाँ से इस, ये भी डल हो रहा है थोड़ा, ऐसे नहीं कि डल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा काम हो जाता है सर। व्हाइट ये अगर पोस्टर कलर यूज कर दे फिर खराब हो जाएगा क्या? नहीं करना चाहिए, मतलब आप करेंगे ना बहुत ज्यादा अगर यूज कर देंगे वो खराब होता है, थोड़ा खराब हो जाएगा। ओके ओके। अब इस तरह से ओनली व्हाइट अगर चाहे तो ये जेल पेन का यूज कर सकते हैं, तो कम से कम लाइन जो है बारीकी रहेगा। बट वो जो येलो कलर का जो इफेक्ट है ना वो अच्छा है येलो कलर के साथ। तो जब भी आप व्हाइट कलर यूज करते हैं, डायरेक्ट व्हाइट नहीं, उसके साथ देखिएगा उस एरिया में जो कलर है उसे आप यूज कीजिए। तो तकरीबन ये कंप्लीट हो गया। सर बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। ओ यूज ऑफ मास्किंग फ्लूइड अच्छा लग रहा है। हाँ उसे अच्छी तरह लगाना भी पड़ेगा। हाँ 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 नहीं ब्रश थोड़ा थिन और फाइन चाहिए तो हाँ। अच्छा लग सकता है। उसमें कैसे फाइन होता है वो भी मैं बताता हूँ। हाँ सर क्या करना है, जैसे ये मास्क ये जो है मेरा देखिए। हाँ काफी यहाँ पे व्हाइट के ऊपर रखता हूँ कभी। हाँ। ये मतलब ये लग के कभी हार्ड हो जाता है। हाँ हाँ हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, ये सूखने के बाद यूं निकल देंगे तो ये हार्ड है। अभी हार्ड होने से ये पतला लाइन देगा, मतलब अगर कलर भी हम लेते हैं तो ये हार्ड होने के वजह से ये पतला लाइन देगा। ये ये पतला लाइन दे रहा है, इसे साफ नहीं करना है एकदम से, इसे हार्ड रहने देना है। हार्ड रहने देना है। यस वो हार्ड क्या करेगा वो बस कलर उस तरल उस पानी को लेके जाएगा, बस मूव कराएगा कुछ इस तरह। अभी पेपर थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन है इधर तो देखते हैं अभी। मैंने वो चित्रपट के पीछे के साइड में किया तो उसके ऊपर मास्किंग फ्लूइड नहीं लगा सकते। नहीं मास्किंग फ्लूइड नहीं लगा सकते और चित्रपट